अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बल्लागुड़ा कुल्लदी नगर के इलाके में जहां कब्जा होने की बात हो रही थी, यहीं पर कदीम करीब 100 साल पुरानी मस्जिद है, इसको आबाद करने की कोशिश की जा रही है। यहां के मुकामी लोगों की जानिब से ये मस्जिद को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। 2015-16 में भी ये मस्जिद की तामीर करने की कोशिश की गई, लेकिन बारिश की वजह से शेड गिर गए और बारिश ऐसी हुई कि यहाँ पर तालाब की शक्ल में ली जमीन, जबकि एक एकड़ जमीन है जहाँ कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन है। लेकिन तामीर करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर कुछ साल पहले नमाज भी अदा की गई थी, लेकिन अब कुछ लैंड ग्रैबरों की भी नजर जमीन पर है, तो उसको बचाने के लिए जरूरी है कि ये मस्जिद को आबाद करें। और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो चाहते हैं कि मस्जिद जल्द से जल्द तामीर हो और इसको आबाद करें। लोग बातें तो करते हैं, पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, लेकिन जब वक्त आता है काम करने का, मस्जिद को तामीर करने का, तो पीछे हट जाते हैं। बहरहाल यही के मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई और आज मीडिया के जरिए बताया कि लोग गलत वीडियो वायरल कर रहे हैं। दरअसल ये मस्जिद की जमीन है और यहाँ के मुकामी लोग हैं और यहाँ पर जो तालाब से कई दूर ये मस्जिद है, मोहल्ला है, ये तालाब नहीं था, बारिश की वजह से ये पानी भर गया है। ये सारे बातों का खुलासा यहाँ के मुकामी लोगों ने किया। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है। तकरीर रहमान के साथ शेखर अहमद अली, प्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। पानी डाल, फिर बोलती अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मस्जिद का आज इशू लेके बैठे लोग, तो आज से 2016 में हम लोग यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़े और यहाँ पे टीन शेड का शेड डाले थे, पत्थर बिछाए थे। हम लोग इसको मस्जिद को कायम ही रहना है बल्कि काम करें। ऐसा हुआ कि पानी बारिश होने की वजह से मस्जिद के अंदर पानी आ गया था, उस वजह से टीन शेड भी हवा से उड़ के चले गया। कितने साल पुरानी है मस्जिद? 100 साल पुरानी है। कहाँ पे ये मस्जिद? कुल्लदी नगर में है। कुल्लदी नगर कहाँ पे आता है? कुल्लदी नगर बल्लागुड़े के अंदर आता है। तो जब से कायम है मस्जिद, हम देख के इसको शुरुआत करे, मस्जिद को बोर डलाए, पत्थर बिछाए, 200 गज पे पत्थर चलू का पत्थर बिछाए, टीन शेड डाले, खुदा की खुद रही, टीन शेड उड़ के चले गया था। उसके बाद से पानी जो आ गया, आने के बाद में रास्ता बंद हो गया था मस्जिद को आने का, पूरा तुंगा घास उड़ गई थी। अभी रास्ता खोल लेते आ रही, तो आज नए नए लोग आके बोल रहे मस्जिद का ऐसा है वैसा है, मस्जिद को कब्जा करें। कोई आया कैसा? ये मस्जिद जो ये तालाब का तोंगा एक बंद कर दिए थे इधर, रास्ता बंद करने से पानी भर गया था बस्ती में। अब ये जो मिंबर दिख रहा पीछे, ये मिंबर तक डूब गया था, फिर दूसरा रास्ता बना के मिंबर को हम वो करे बचा के करके रखे, पानी निकल गया वो। तो ये जब हम करे, जब कोई नहीं आए, अभी जो जैसा रास्ता हम बना के लाते कि मस्जिद है वो है बोल के बाहर है इन लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आइए मस्जिद की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद के अंदर आके ऐसा है तो ताउन करके मस्जिद बनाइए, मगर ये जो है ना काम दूसरे तरीके का करना चाह रहे लोग, नजरिया चेंज करेंगे बाद में लोग। मस्जिद के लिए जमीन छोड़े कितने गए थे साहब? कौन छोड़े से? ये मस्जिद के आज से सलीम खान साहब छोड़े हुए हैं, जो मरहूम इंतकाल होगा। उन्होंने जो है ना एक एकड़ एक गुंटा मस्जिद और कब्रिस्तान, उसका पेपर है मस्जिद के आज से जो है ना एक 500 गज जमीन है और कब्रिस्तान की जो ना एक एकड़ जमीन है जो मौजूद है। यहाँ पानी आ गया था, यहाँ जो है ना वो तुम बंद कर दिए, बंद करने की वजह से सलीम खान साहब का इंतकाल होगा, किसी और को जमीन बेच दिए उन्होंने खुद, कोई इसमें पैसा डाल के खरीदे हुए नहीं है। मरहूम जो है ना अल्लाह जन्नत मगफरत करे सलीम खान साहब खुद ये मस्जिद की जमीन और कब्रिस्तान की जमीन अपने तरफ से खुद फ्री दिए हुए हैं उन्होंने यहाँ की बस्ती के लिए। कितनी एक एकड़ एक गुंटा मस्जिद और कब्रिस्तान मिला के जो है ना, जिसमें 500 गज मस्जिद की जमीन है। कुछ पेपर है इसका? हाँ पेपर है, एक एकड़ गुंटे का पेपर है, पेपर है सलीम खान साहब दिए हुए पेपर है।
जब मस्जिद की तामीर हुई जब यहाँ पर पानी नहीं था। नहीं मस्जिद तो सौ साल पुरानी है, पानी वगैरह नहीं था। थोड़ा जो है ना 2016 के बाद में जो है ना 16 में थोड़ा मस्जिद बनाए थे, थोड़ा तामीर कर रहे थे, उसको सीमेंट उमेंट चबूतरा वगैरह बनाए थे। उसी कुछ 2018 के बाद बारिश बहुत हो गई, तुम वहाँ बंद कर दिए। बंद करने से पूरा जो है ना इधर जाने से तामीर किया जा रहा वो प्लेट में, ये जो है ना मुकामी लोग हैं, उसकी वीडियो है आप लोग दे सकते हैं, उसकी वीडियो है, शेर की वीडियो आप लोगों को भी वो भी अपलोड करें। मत दोनों करे वो वीडियो है, इंशाल्लाह वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाती। जुम्मा भी स्टार्ट करें, किसी आवाम को जो है ना शक शुबा करने की जरूरत नहीं है। बल्लागुड़ा मंडल एरिया लगता है, एक एकड़ जो है ना कब्रस्तान और मस्जिद की जमीन है, एक एकड़ अपनी जगह कब्रस्तान की जमीन है, मस्जिद मस्जिद की जमीन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह या 500 गज जहाँ आप लोग ठहरे हुए हैं मस्जिद होंगे, इंशाल्लाह जल्द से जल्द तामीर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग आए उनका उनका क्या कहना है जो आए? अब हम तो पहचानते नहीं भाई उन लोगों को, उन्होंने बोले हम एक साल से नजर डाल रहे थे, भर दे रहे थे, भर दे रहे थे, मस्जिद बनाने कैसे भर रहे थे, रास्ता बना रहे थे भैया, मस्जिद के ऊपर 5 फीट पानी आ गया था, मस्जिद को रास्ता नहीं था, नहीं था रास्ता, नहीं, था, नहीं, रास्ता है। नहीं था रास्ता बीच में थी, पानी के बीच में मस्जिद आ गई। मस्जिद जब तुम बंद कर दियो तो पूरा मस्जिद का एरिया पूरा डूब गया, सब खत्म हो गया, शेर डूब गया, पूरा जो है ना मस्जिद डूब गई थी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वालों की मदद है, ताउन है, पूरे लोग मिलकर जो है ना उसको काम करे, काम करके जो है ना रास्ता बना रहे, अल्लाह चाहे तो मस्जिद की तामीर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कहना है रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है, सलीम खान साहब का पेपर है, पेपर है, बाजाबता लिखे हुआ पेपर है, एक एकड़ एक घंटा जो है ना कब्रस्तान और मस्जिद की जमीन है, एक एकड़ कब्रस्तान की जमीन है, मस्जिद की 500 गज जमीन है। आप लोग मुकामी हैं, मुकामी लोग हैं, यहाँ के पुराने लोग हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो हमारे से आगे पूछ के बोल सकते थे, बस्ती वाले बाजू बाजू वाले कुछ नहीं क्या नहीं आके अपनी वीडियोस बना के वायरल कर ले रही, ऐसा बोल दे रहे। पहले मिलो मुकामी लोगों से, मिलो मिलके उनके बारे में मालूम करो, मस्जिद कहाँ है, कब्रस्तान कहाँ है, मालूम ही नहीं कर रहे, जो उठाए मुंह को बोल दे रहे अपने आप को। मगर वैसा नहीं है, मस्जिद मस्जिद की जगह कायम है, कब्रस्तान कब्रस्तान की जगह कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है जगह रास्ता बना लेते आ रहे कि आके ऐसा ये काम करके जा रहे, कब्जा कर दे रहे, वो कर दे रहे, मुल्क उल्टा तोहमतें लगा दे रहे। आगे से पूछना, उसकी तहकीक कर लेना, पहले आइए आके हमारे से मिलिए, हम बताते हैं। चंद्रायन गुट्टे में रहता हूँ इंशाल्लाह, कभी भी हम लोग पूरे हमारे रईस भाई है, जहांगीर भाई है, बहुत सारे लोग आए, कभी भी कोई भी मिल जाते हैं आपको यहाँ। इंशाल्लाह कह रहे हैं कुछ लैंड इशू नहीं है, कुछ नहीं है, बेचने वाले भी मुकामी लोग हैं, खुलेदी वाले जो नवाज सलीम खान साहब से खरीदे हुए थे, उन्होंने भी जो ना 13 एकड़ जमीन खरीदे, उनका पेपर बाजाबता लिखे हुआ है, फिर बार बार बोलो एक एकड़ एक घंटा मस्जिद और कब्रस्तान कायम है इंशाल्लाह, मस्जिद की जगह भी कायम है, कब्रस्तान की जगह भी कायम है। फिर ये बार बार क्यों बता रहे कि लैंड ग्रैबिंग हो रही है पर? अब उन लोगों को क्या क्या मंशा है, उनका मंशा क्या है, उन लोग जाने बस, हम तो बता रहे हैं मस्जिद की जगह कायम है, कायम रहेंगी, कब्रस्तान में कायम रहेगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कल से मेरे भी नामा शुरू हो जाते हैं, पाशा भी के भी नामा शुरू हो जाते हो, सुने हम लोग अभी आ जाते हैं, बदनाम कर रहे हैं यहाँ पर हम, हाँ इंशाल्लाह बंदा जो ना हमारे को पसंद नहीं करने वाला, उन्हें भी हमारे को इशू कर देता, कल की तो जो नाम आ जाता चांद लाइन ग्राफर है, भूल गया। तकरीबन लोग आए क्या, मुकामी थे या दीगर लोग? दीगर लोग है यहाँ के, हम लोग मुकामी है यहाँ के रहने वाले, अब जो आके करके पहचानते कौन है उन लोग? अरे आन दो भाई, भाई ये तेरा नहीं है किसी को भी, भाई मुकामी बाहर का बोल के नहीं है, ये अल्लाह का घर है, आके तामीर करो बोलो। नॉलेज आप लोगों को है या उनको? हम लोगों को नॉलेज है, सुने आप लोग कोई भी शहर से, कोई भी शहर से भाई, मस्जिद अभी जैसा इनकम्प्लीट है, मेंबर भी रेडी नहीं है, तो क्या आप लोग मेंबर रेडी करके नमाज स्टार्ट? इंशाल्लाह इंशाल्लाह रास्ता, हम यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबसे ये काम ले कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को हमेशा के लिए कायम कर दे और तामीर होने की तौफीक, और कोई भी आगे तामीर कर सकते, कोई भी आगे बना सकते, इसमें कोई भी तामन कर सकते, किसी को एतराज नहीं है, कोई भी है शहर से कोई भी आदमी आगे तहकीक करके तामीर कर ले सकते इंशाल्लाह, ठीक है ना? जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं शेख हसन वाजिर, मरहूम शेख सईद वाजिर का छोटा भाई, आज हौस नगर के अंदर खुलेदी नगर के पास मस्जिद में आया था मैं, नमाज पढ़े सालम भाई बागिनवान जो मस्जिद की तामीर की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग आए थे मैं उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी बोल रहे हैं कि जमीन 500 गज दिए हुए वो मस्जिद को दिए हुए, मैं उन सब से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, हमारे को भी वही करना है जो मस्जिद बनाना है, वो लोग भी बोल रहे हैं मस्जिद बनाना है, इसकी पीएस में बैठ के सुकून से आप भी बताओ, सालम भाई कहने भी रिकॉर्ड है, सालम भाई भी बताते वहां पे जो सब मस्जिद की तामीर की बात है, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। आपसे जो भी लोग वहां पे आए थे जो बहस कर रहे थे उन लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग मस्जिद की तामीर की बात कर रहे हैं, किसी को दिए हुए है बोल रहे, बराबर आप आके वहां के बताओ मस्जिद की तामीर को चालू कर दो, दूसरा कुछ भी नहीं है हमारा, यहाँ पे पुरमन तरीके से जो है सो आज जोहर की नमाज पढ़े, इंशाल्लाह जुमा भी पढ़ेंगे अल्लाह चाह तो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
बिल्डिंग और सीसी रोड की मजबूती जितनी जरूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर वन क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर वन मियार फरहाम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्लम चेक गारंटी स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस स्टाफ मिक्स कंक्रीट की बरवक्त फरहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाक़ है बालापुर मल्लापुर रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा एक्स रोड मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7013690671 या फिर 9951971845 पर।